this is illusion of transparency that they can read my mind. And I think this is one of the common examples जिसके अंदर आप ये लोगों को ही समझते हैं. जब भी आप स्टेज, स्कूल, टीचिंग, whatever the your social interactions are, जब भी आप स्टेज के ऊपर आएं, you come with this understanding कि जो भी मैं बात करने लगा हूँ, ये लोगों को तो पता है. And rightfully so पता है. कोई भी ऐसी बात नहीं है जो हम कॉमन नॉलेज को के आउट ऑफ द कॉमन नॉलेज हम एक्सप्लेन करें. बी इट लीडरशिप, बी इट कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन. तो अगर लोग इस अंडरस्टैंडिंग के साथ और आप अपने अंदर ये फियर बिठा लेंगे दैट व्हाटएवर यू आर सेइंग, व्हाटएवर यू आर अबाउट टू से, दे कैन रीड माई माइंड. जो मैं कहने लगा हूँ, जिस तरह से कम्युनिकेशन करने लगा हूँ, पीपल ऑलरेडी नो दैट. सो जब इस अंडरस्टैंडिंग के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को ड्राउन करेंगे, इमेजिन वॉट दिस विल डू टू यू. You will have no confidence in your own content. और जब आपके अंदर content के अंदर confidence नहीं होगा, then what in the world you will be able to effectively communicate your own ideas. That is how you need to fight off that idea and that bias. और ये इतना common bias है हमारे communication skills के अंदर कि जिससे भी one-on-one coaching होती है, this is the number one and one of the top most bias जो लोगों को face कर रहे होते हैं. They are not able to, they are not calling this a bias, मतलब उनको इसका नाम नहीं पता या term नहीं पता, लेकिन जो जब आप diagnose करते हैं तो this is one of the bias. उन्हें पता है कि सर मैं क्या बोलूँ, मतलब सब कुछ अंदाज़ा है, पता है लोगों को, तो what unique value I could possibly give to the people. So it's again, it's stemming from that fear कि लोग मेरी बातें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, they can potentially read my mind, जिस वजह से हम ये conversation कर रहे हैं. इसके लिए so you need to be aware of your bias. So again, बहुत सारे thought experiments इसके ऊपर भी हुए हैं जिसके अंदर मे बी यू आर नॉट अवेयर ऑफ योर बायस. जब आप लोगों से ये सो देर वर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल जिसके अंदर नास एक ग्रुप के अंदर ये अंदाज़ा और ये रियलाइजेशन बनाने की कोशिश की दैट दे कैन नॉट रीड योर माइंड एज सच बिकॉज द थॉट्स विच यू हैव क्यूरेटेड, आपने सालों का एक्सपीरियंस है ऑन योर पर्टिकुलर फील्ड, आपने सालों लीडरशिप, कोचिंग, सेल्स, इंजीनियरिंग के ऊपर काम किया है, बात की है. सो हैविंग दिस सेल्फ अश्योरेंस ऑल्सो हेल्प यू कम्युनिकेट बेटर विद पीपल. इस वजह से साइकोलॉजिकली डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन साइकी बिकॉज देन यू विल बी एबल टू काउंट दीज अचीवमेंट्स इन रिस्पॉन्स टू दैट फियर. So whenever you have a certain designation, आपने कोई कोर्स किया हुआ है, आपने कहीं स्पीचेस दी हुई हैं, ये साइकोलॉजिकली हमें इक्विप करते हैं कि येस वी कैन डू दैट. हमारे बिकॉज हमारे पास एक्स वाई जी अकॉम्पलिशमेंट्स हैं, इस वजह से आई एम द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस सिचुएशन, टॉक अबाउट दिस फिनोमेना एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. एंड स्लोइंग डाउन योर रीजनिंग प्रोसेस बिकॉज आई नो कि जब आपने देखा होगा कि हम फैक्ट्स एंड स्टोरीज की बात करें, ह्यूमन माइंड नेचुरली क्लिंग्स मोर ऑन टू स्टोरीज. तो स्लोइंग डाउन योर थॉट प्रोसेस एक्चुअली अलाउज यू टू ब्रेक दैट साइकिल एंड सी व्हाट एक्चुअली रियली इज. सो रियलिटी को समझने के लिए अपने साथ ही इंट्रोस्पेक्शन में जाएं, जस्ट स्लो डाउन द थॉट प्रोसेस. मैं किस बेसिस के ऊपर अपनी जजमेंट क्रिएट कर रहा हूँ, व्हाट इज द सिचुएशन, व्हाट इज द सिनेरियो, क्या मैं जनरलाइज तो नहीं कर रहा अपनी सिचुएशंस को. सो ऑल दीज बायसेस नेचुरली आइदर be have a very detrimental effect on your own ability to communicate. लेकिन अगर आप इनके बारे में अवेयर हैं, इसके बारे में काम कर रहे हैं and you are working on improving those biases, then naturally you will see the quality in your own thoughts. You will see clarity in your own thoughts. You will see कि अब मैं लोगों के साथ बेहतर से बेहतर कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं उनके fears को बेहतर समझ पा रहा हूँ, वह उनके challenges को बेहतर समझ पा रहा हूँ. This is all what we are here for in order to be better at communicating and building networks and building community relationships. Chips.